नमस्कार, क्योंकि मैं शालिनी में सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बढ़िया सा नाश्ता, क्योंकि आप रोज खाना पसंद करोगे, बहुत ही लाइट हेल्दी रहेगा। आज हम बनाएंगे पोहा। तो महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस पोहा है जो हम बनाने जा रहे हैं आज। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन के रेडी होता है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये लिया मैंने पोहा, तो आज हम पोहा बनाएंगे। ये देखिए, ये पोहा जो हमने चूज करना है, ये बहुत बड़े वाला जो पोहा होता है वो नहीं लेंगे, इस तरह से बारीक वाला जो छोटा पोहा होता है ना वो लेंगे। ये जो है पोहा ज्यादा जल्दी गलता नहीं है, तो एकदम से अगर आप बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा जो चिपकने लगता है या फिर मैशी सा बन जाता है वैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल खिला खिला सा हमारा पोहा बनेगा। तो ये सबसे बड़ी टिप थी कि पोहा जब भी चूज करें तो चौड़े वाला पोहा जो होता है वो मत लें, इस तरह से बारीक वाला पोहा लें। और अब हम ले लेंगे कोई भी एक बोल और इसके साथ लेंगे एक छन्नी। तो छन्नी के अंदर जो है हमने ये पोहा ले लेना है। हमने 2 कप पोहा लिया, तो छन्नी के अंदर मैं इस तरह से पोहे को डाल दूंगी और इसको जो है हमने पानी डालकर वॉश कर लेना है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया। पोहा मैंने ले लिया और इसको जो है अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने पानी में भिगोकर बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस तरह से स्ट्रेनर में ही हमने वॉश करना है अच्छे से खुले पानी में। और इसको जो है हमने इस तरह से भिगोकर गीला करके इस तरह से रख दिया, बस इसी तरह से इसको। मैं ले लूंगी कढ़ाई, गैस को मैंने ऑन कर दिया और एक बड़ा चम्मच जो है हम इसमें कुकिंग ऑयल का डाल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब जाएगी इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने जो है पीनट लिए, वो भी पीनट डाल देंगे। कच्ची मूंगफली मैंने लिए, बहुत ज्यादा ऑयल को बहुत तेज गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए बस उसमें जो है हम इसमें अपनी मूंगफली डालेंगे और लगातार इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। कुछ ही देर में आप देखोगे कि मूंगफली जो है चटकने लगी है। बस इसी तरह से हमने इसको हिलाते हुए मीडियम फ्लेम में हमने जो इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। मूंगफली जो है अच्छे से क्रिस्पी होनी चाहिए, अगर हम बहुत ज्यादा तेज फ्लेम में इसको जो है फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जो है ये ब्राउन हो जाएगी। हमने अंदर बाहर दोनों से जो है इसको अच्छा क्रिस्पी करना है, इसलिए फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे। तो लीजिए मूंगफली का कलर भी जो है चेंज हो गया, आप देख सकते हो ये गोल्डन ब्राउन हो गया और थोड़े रेडिश टोन में आ गया। बस आधा मिनट इसको और इस तरह से हिलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है, तो बढ़िया सा कलर आ गया। मूंगफली हमारी अच्छे से हो चुकी है फ्राई, और इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे नहीं तो काली हो जाएगी, कड़वा टेस्ट आने लगेगा। इसको निकाल लेंगे, तो सारा ऑयल इसका निकालते हुए हमने इसको निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर डाल देंगे हम एक आलू, और इसके जो है मैंने इस तरह से लंबे लंबे कट कर लिए फिंगर चिप्स की तरह, और इसको हम इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फिंगर चिप्स के फॉर्म में हम जब आलू को डालते हैं पोहे में तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और जितने भी ये स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना बाजार वाले, ये इसी तरह से बनाते हैं। ये महाराष्ट्र का जो फेमस पोहा है जिसको कांदा पोहा भी कहा जाता है, वो इसी तरह से बनाया जाता है। इसको हिलाते हुए हमने इसको जो है मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये आलू जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये इस तरह से इसको लगातार हिलाएंगे और फ्राई। पोहा जो है सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो गया और अच्छा खिला खिला हमारा पोहा है। इसको हम शिफ्ट कर देंगे बोल में और इसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। और अब डालेंगे मैं इसके अंदर अपने मसाले, मसाले इसी में डाल देंगे तो हमारा पोहा जो है बिल्कुल खिला खिला बढ़िया सा बनेगा। अब जाएगा इसके अंदर नमक, तो मैं आधा चम्मच इसमें नमक का डालूंगी और स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हो। मैं डालूंगी इसमें लाल देगी मिर्च 1/3 स्पून, हल्दी पाउडर 1/3 स्पून, और अच्छे से जो है हमने इसको इस तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। इसके साथ इसके अंदर जाएगा 1 नींबू का रस, तो नींबू के रस से इसका स्वाद जो है और ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ये यमी लगता है। लीजिए हमने इसके अंदर डाल दिया नींबू का रस, और अब हम लेंगे 1/2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। ये सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए और आपका पोहा आप देखोगे कि किस तरह से खिला खिला बनता है। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और कर लेते हैं हम इसको भी मिक्स। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया हमारा ये रेडी हो गया बिल्कुल खिला खिला से, ये देखिए। तो लीजिए हमारे फिंगर चिप्स जो है क्रिस्पी हो चुके हैं और इसको हम निकाल, तो आप चाहें तो साबुत राई डाल सकते हो, नहीं तो आप 1/3 स्पून जो है इसमें पिसी हुई राई डाल सकते हो। तो राई डाल देंगे इसको अच्छे से तलक लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को धोकर हमने जो है कट करके फिर इसमें डाला। कड़ी पत्ता इसके अंदर बहुत ही बढ़िया जो है टेस्ट लाता है और इसको बहुत ही मजेदार बनाता है। तो 1/3 स्पून अब इसमें जाएगा हींग, हींग भी जो है इसका स्वाद इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो 1/3 स्पून जो है इसमें हींग डाल लेंगे। ये सब चीजें डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब जाएगा इसके अंदर प्याज, तो लंबा लंबा हमने प्याज कट कर लेना, बिल्कुल इसके लच्छे जो है हमने प्याज के निकाल लेने हैं। आप देख सकते हो इस तरह से पतले पतले लच्छे जो है हमने इसके सारे प्याज के निकाल लेंगे, और ये प्याज इसके अंदर हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। गैस के फ्लेम तेज रखेंगे और इस तरह से प्याज को जो है हम हल्का, हरी मिर्ची पसंद करते हो तो 2 आप इसमें हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो।
और अगर सब लोग हरी मिर्ची नहीं डालते खाते तो आप इस तरह से जो है साबुत हरी मिर्च ले लें और वो डाल दें इसमें, वो भी इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है, जिसको पसंद हो वो ले सकता है और जिसको नहीं पसंद हो वो रहे। आप देख सकते हो कि हल्का जो है प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। इसी तरह से हमने शिमला मिर्च भी कट करी है लंबी लंबी, तो वो भी हम इस तरह से डाल देंगे। जब हम कोई भी सब्जियों को कट करते हैं तो अगर प्याज हमने लंबे लंबे कट करें तो शिमला मिर्च भी हम लंबी लंबी कट करेंगे, वही अच्छी लगती है। सारी सब्जियों को लंबा लंबा ही कट करेंगे, लेकिन अगर आप छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप करें तो शिमला मिर्च को भी बारीक ही चॉप कीजिए। हमेशा सब्जियां जो है बराबर की कटनी चाहिए, तभी जो है बढ़िया लगती है। तो फ्रेम जो है हमने फोर रखना है और एक लंबा लंबा कट करा हुआ इस तरह से टमाटर ले लिया, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को आप देखोगे कि मैंने जो है लंबा लंबा ही कट किया। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 स्पून के करीब नमक, 1/3 स्पून ही जाएगी इसमें लाल हरी मिर्च, 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 1/3 स्पून, जीरा पाउडर भी इसमें टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ ही आधा चम्मच धनिया पाउडर का भी जाएगा इसके अंदर और सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी कलरफुल सी लग रही है। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। तो फिंगर चिप्स भी हमने इसके अंदर डाल दिया और आप देख सकते हो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही कलरफुल सा और बढ़िया सा लग रहा है। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अपना पोहा। तो सारा का सारा पोहा जो है हमने इसमें इस तरह से डाल देना। और आप बड़े हल्के हाथों से इसको करेंगे हम मिक्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मूंगफली फ्राई करी होती है वो बीच में इसी तरह से डाल देते हैं, लेकिन अगर मूंगफली हम इस स्टेज पे डाल देंगे तो मूंगफली जो है हमारे मूंगफली के अंदर क्रंच नहीं रहेगा। तो मूंगफली कभी भी बीच में इस तरह से मिक्स ना करें, गैस को अपने थोड़ा हल्का कर लेंगे और इसको जो है हल्की फ्लेम में पकने देंगे। तो ज़्यादा देर हमने इसको नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हम इसको रखेंगे तो पोहा हमारा जो है सॉगी से हो जाएगा। तो आप इस तरह से हमारा पोहा रेडी है, और अगर आप बहुत तेज गर्म खाना चाहते हो तो आप इसको जो है माइक्रोवेव कर सकते हो, नहीं तो इसी तरह से गर्म गर्म खाइए और इसको आप इंजॉय कीजिए। अब हम इसको गैस को करते हैं बंद और इसे सर्व करते हैं। लीजिए सर्व करते हैं अपने खिले खिले पोहे को, और आप देखोगे कि कितना हमारा पोहा जो है एक खिला खिला बना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी पोहा बना। ये देखिए अगर ना बढ़िया मज़ेदार था। इसलिए पोहा हमारा रेडी हो गया, इसको आप गार्निश कर देंगे खूब सारी पीनट्स के साथ, ये जो हमने फ्राई करी थी पीनट्स, इसमें खूब सारी डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। जब क्रंच इसका मुँह में आएगा तब आपको मज़ा आ जाएगा। इसको तभी हम जो है बाद में डालते हैं, जब भी पीनट्स इसके अंदर ऐड करें हमेशा एंड में करें, ताकि पोहा हमारा जो है क्रिस्पी पीनट्स के साथ क्रंची बने। हरा धनिया डाल देंगे इसमें और इस तरह से जो है हरी मिर्ची। तो आप इसको हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार ये बनके हमारी रेडी हो गई। एक इस तरह से नींबू और इसको आप एंजॉय कीजिए, लग रहा है ना बढ़िया। इसी तरह से आप बनाइए, आपका भी खिला खिला पोहा बनेगा, बहुत ही टेस्टी यमी बनेगा। जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।